हम पिछले दो सालों से प्रभु के वचन से विभिन्न तरह के विषयों का अध्ययन कर रहे थे और इन अध्ययनों से मुझे पूरी उम्मीद है और ये बात मुझे ज्ञात है कि आप सबको आत्मिक जीवन में बहुत अधिक अनुग्रह मिला है, क्योंकि जैसा प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि हर एक परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और वो हमको आत्मिक जीवन में उपदेश, भलाई करने और इस तरह के अन्य कई बातों के लिए प्रोत्साहित करता है। इन अध्ययनों से आप में से कई लोगों ने बताया है कि आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन जैसा पिछले हफ्ते मैंने याद दिलाया था, ये वचन यहाँ पर प्रस्तुत करने से कम पूरे हफ्ते भर मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूँ, ये जानने के लिए कि प्रभु अपने वचन से कौन सा संदेश आपको देना चाहते हैं। कुछ संदेश जो यहाँ मैंने दिए हैं उसके पीछे महीनों के अध्ययन का फल है। तो आपके सामने प्रभु का वचन रखने के लिए मैं जब प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूँ तो पहला राउंड अनुभव, उसका अनुग्रह मुझे मिलता है, ना कि आपको। ये आत्मिक जीवन की एक विशेषता है कि जब हम दूसरे भाई बहनों की सेवा के लिए अपने स्वयं के जीवन को, अपने स्वयं के समय को और अपने स्वयं के आत्मिक वरदानों को समर्पित कर देते हैं तो उसका पहला अनुग्रह हमको मिलता है जो अपने आप को समर्पित करते हैं, और बाद में जब हम इन बातों को अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटते हैं तब उनको अनुग्रह मिलता है, ये देख के हमको प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण आज शाम को मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उसको पवित्र आत्मा ने कम से कम एक वरदान दिया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको एक से ज़्यादा वरदान दिया है, उस वरदान का सही रीति से नियमित उपयोग करना मेरे आपके लिए बहुत जरूरी है। इतनी बातों को याद दिलाने के बाद आज प्रभु के वचन से एक विषय मैं खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको बाइबल के उत्तरार्ध में मतलब नए नियम के पांचवा जो पुस्तक है, नए नियम का पांचवा पुस्तक है प्रेरितों के कार्यों का वर्णन, उसके छठे अध्याय और सातवें अध्याय में हम पढ़ते हैं। आप पूछेंगे कि अभी तक तो हम बड़े विचित्र नाम सुनते आए थे, जैसे मत्ती है, मरकुस है, फिलिपुस है, और आज आप एक ऐसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं जो उससे बिल्कुल भिन्न है। जी हाँ, प्रेरित का मतलब है वह व्यक्ति जिसे प्रेरणा मिली है और उस प्रेरणा के कारण वो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है और उस कार्य के लिए वो बुलाया भी गया है। इस पुस्तक के नाम के पीछे एक इतिहास है। प्रभु यीशु के सूली पर के बलिदान और पुनर्जीवित हो जाने के बाद जब प्रभु अपने शिष्यों के देखा देखी आसमान चले गए और जब स्वर्गदूतों ने आकर बोला कि तुम लोग जिस तरह से तुमने इस प्रभु को आसमान जाते देखा उस तरह से प्रभु वापस आएंगे, तो इस घटना के एकदम पहले प्रभु ने उन लोगों से एक बात बार बार कही थी और वो बात ये थी कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा और जब मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम सब लोग एक साथ एकत्रित होना, एकत्रित होकर यरूशलेम नाम का शहर जो है वहां पर एकत्रित होना, और प्रभु के जितने शिष्य थे ये सब लोग उस शहर में एक साथ एकत्रित होकर बैठकर मन लगाकर प्रार्थना करते रहे। और जब इस तरह से 10 दिन वे प्रार्थना करते रहे तो अचानक वहाँ पर एक दिव्य घटना घटी। उस घटना के साथ साथ प्रभु ने अपने शिष्यों में से कुछ लोगों को चुनकर, प्रभु के शिष्य जो 12 शिष्य थे उसमें से एक तो फांसी लगा के मर गया, बाकी जो 11 शिष्य थे
उसके अलावा भी प्रभु के और शिष्य थे, ये सब लोग वहाँ एक साथ एकत्रित हुए थे। इन शिष्यों को जब इस विशेष अनुग्रह से, इस अनुभव से होकर गुजरना पड़ा, तो उनमें से कुछ लोगों को प्रभु ने एक विशेष कार्य के लिए चुनकर अलग किया और उनको प्रेरणा दी कि प्रभु ने उनको जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को पूर्ण करें। उनमें से एक व्यक्ति प्रभु यीशु का दिव्य संदेश लेकर आज से लगभग 2000 साल पहले हिंदुस्तान पधारे थे, ईस्वी 52 में संत थॉमस नामक व्यक्ति, मत्ती रचित सुषमाचार जो कि नए नियम का की पहली पुस्तक है, उसकी एक हस्तलिखित कॉपी लेकर हिंदुस्तान पधारे थे और उन्होंने प्रभु यीशु का शुभ संदेश लोगों को सुनाया था। तब से प्रभु यीशु के अनुयायी भारत में होते रहे हैं। प्रभु के द्वारा चुने गए लोगों में एक व्यक्ति था जिसका हिंदी नाम है स्टीफनुस, अंग्रेजी में जिसको स्टीफन कहा जाता है। आपने अंग्रेजी नाम सुना होगा, हिंदी में उसी व्यक्ति को स्टीफनुस कहा जाता है। प्रभु के जाने के 10वें दिन से प्रभु के द्वारा चुनकर बुलाए गए शिष्य बहुत ही ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य के साथ प्रभु के शुभ संदेश को यरूशलेम में सुनाने लगे। इस तरह से जो लोग प्रभु का संदेश सुना रहे थे, उनमें से स्टीफनुस के जीवन में क्या हुआ, इसको हम 6 अध्याय के 8वें पद में पढ़ते हैं। 6वें अध्याय के 8वें पद में हम देखते हैं, स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रभु ने जिन लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना था, उन लोगों को अपनी सेवा करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य भी दी थी। इस तरह से प्रभु ने जिन लोगों को विशेष सामर्थ्य दी थी, उसमें से एक व्यक्ति था स्टीफनुस। और यहाँ प्रभु का वचन साफ साफ लिखा है कि बड़े बड़े अद्भुत काम, अद्भुत काम नहीं, बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रभु ने लोगों के बीच में दिखाया या किया। अब आज आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, वो सवाल ये है कि मैंने आपने मेरे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे भाई और बहन हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। ग्रहण करने के बाद प्रभु विविध तरीके से, अलग अलग तरीके से हमारा उपयोग कर रहे हैं। शायद जिस दफ्तर में हम कार्य करते हैं, जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं, जिस दुकान में हम काम करते हैं, शायद वहाँ हमारे आसपास जितने लोग हैं, उन सबको प्रभु यीशु का ये शुभ संदेश सुनाने के लिए हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं। और शायद इस तरह से प्रभु मेरा और आपका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे अवसरों पर हमारे मन में एक प्रश्न आता है, हे प्रभु, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन दिया, आपने जो नया जीवन दिया उसके साथ साथ मेरे जीवन में कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया, जिसके कारण जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करता हूँ, शायद उसके द्वारा मैं दूसरों को प्रभु के बारे में सुनाता हूँ, शायद प्रभु यीशु से संबंधित पर्चे बांटता हूँ, शायद दूसरों को प्रोत्साहित करता हूँ, दूसरे जब बीमारी लेकर आते हैं तो मैं प्रार्थना के द्वारा उनको प्रोत्साहित करता हूँ और उनको प्रभु के सामने रखता हूँ। तो मेरे आपके मन में ये प्रश्न आता है कि प्रभु, इस तरह से आपने मुझे नया जीवन देके अपना बच्चा बनाया और मुझे एक आत्मिक वरदान दिया, उस वरदान का उपयोग मैं विश्वास योग्यता से करता हूँ, इस कारण हे प्रभु, क्या मेरा जीवन हमेशा खुशी से भरा रहेगा? आप कहेंगे प्रभु के वचन में लिखा भी तो है, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। देखिए,
जब हम प्रभु के बच्चे बनकर प्रभु की सेवा करते हैं तब मेरे आपके जीवन में एक विशेष प्रकार का आनंद जरूर आता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। उसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी में परेशानी नहीं आएगी, घर पे परेशानी नहीं आएगी, पड़ोसियों से परेशानी नहीं आएगी। ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन जब भी ये घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तब प्रभु की शांति मेरे आपके मन को शांत और स्थिर रखती है। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, आप हर संडे अलग अलग विषय प्रभु के वचन से चुनकर यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, आज आपने ये विषय क्यों चुना? उसके पीछे कारण है, प्रभु के वचन में जो विविध विषय हैं, जब तक हम उन विविध विषयों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आत्मिक जीवन में विकास नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जब हम इन विविध विषयों को लेते हैं तब उसमें एक विषय, स्तिफनुस के साथ जो घटना हुई थी वो एक महत्वपूर्ण विषय। आप कहेंगे घटना हुई थी क्या? जी हाँ, उस घटना को हम अगले अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय से वो घटना चालू होती है। नौवें पद में हम पढ़ते हैं, आठवें पद में हमने पढ़ा कि किस तरह से सामर्थ से भरकर वो प्रभु का शुभ संदेश सुनाता था। नौवें पद के आखिर में लिखा है कि कुछ लोग उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। तो जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तब प्रभु की शांति आपके मन में होगी, प्रभु की खुशी होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अमन चैन से चलेगा। ऐसा भी मौका आएगा जब लोग जबरदस्ती, आपका जीवन खुश है ये देखते हुए भी, आपके जीवन में विशेष शांति है ये देखते हुए भी, आपके जीवन में प्रभु विशेष रूप से काम करते ये देखते हुए भी जबरदस्ती आपके साथ वाद विवाद करेंगे। क्यों? इसलिए कि इस संसार में इस तरह की बातें होती हैं। फिर क्या हुआ? दसवें पद में हम देखते हैं, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बात करता था वे सामना नहीं कर सके। मतलब जितनी शक्ति से उसने लोगों को जवाब दिया वो सुन के लोग उसको जवाब नहीं दे पाए, वो गलत है ये नहीं कह पाए। ये सुन के सब लोग खुश हो गए क्या कि आहा क्या सामर्थ्य के साथ ये व्यक्ति जवाब दे रहा है, ये जरूर प्रभु की संतान है। ऐसा हुआ क्या? नहीं। बारहवें पद में हम देखते हैं, लोगों और बुजुर्गों और शास्त्रियों को भड़का कर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए। ये पकड़कर महासभा में ले गए का क्या मतलब है? क्योंकि अपन तो आजकल कोई महासभा नहीं देखते हैं, यहाँ तो पुलिस पकड़ती है और ले जाकर हमको कोर्ट में प्रेजेंट करती है। आज से 2000 साल पहले जब यह घटना हुई थी उस समय लोगों के बीच में दो प्रकार की सरकारें थी, उन लोगों के बीच में एक धार्मिक और एक राजनैतिक सरकार। तो यहाँ क्या हुआ कि जब प्रभु ने सामर्थ्य के साथ स्तिफनुस के जीवन में कार्य किया तो उसको पकड़कर धार्मिक सभा के पास सामने खड़ा कर दिया, जिस सभा की जिम्मेदारी है कि वो प्रभु यीशु के शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाए और पहुंचाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करे, वो सभा आज उस पर दोष लगा रही है। इस घटना के द्वारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु ने हमको एक नया जीवन दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रभु ने हमको कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करते हैं तब प्रभु शक्ति और सामर्थ्य हमको देते हैं जिससे कि उस आत्मिक वरदान का उपयोग करें। लेकिन उसके साथ साथ कई बार जब हम प्रभु के वचन को शक्ति और सामर्थ्य के साथ दूसरों को सुनाते हैं तब
जिन लोगों से हमको प्रोत्साहन मिलना चाहिए वे ही लोग हमारा विरोध करते हैं, वे ही लोग कई बार हमको पकड़वा देते हैं, वे ही लोग ये कोशिश करते हैं कि हमको सजा मिले। आप कहेंगे कि क्या मतलब अच्छे कार्य के लिए? जी हाँ, प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि ये संसार प्रभु के बच्चों के योग्य नहीं है। इस संसार में प्रभु ने हमको इसलिए रखा है कि अयोग्य लोगों के बीच में खड़े होकर हम प्रभु की गवाही दें, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तब कई बार मुसीबतें आएंगी, तमाम तरह की मुसीबतें आएंगी। ऐसे लोग हमारे रास्ते में अड़ंगा खड़ा कर देंगे जिनसे हम ये उम्मीद करते थे कि वे तो हमारी मदद करेंगे, ऐसे ही लोग हमारा विरोध करेंगे। स्तिफनुस के साथ क्या हुआ इस बात को हम देखें। सातवें अध्याय के शुरू शुरू में हम देखते हैं, तब महापुरोहित ने स्तिफनुस से पूछा, क्या ये बातें सच है? मतलब तुम्हारे बारे में हम सुनते हैं कि तुम लोगों को संदेश सुनाकर उनके जीवन में रूपांतर लाते हो। स्तिफनुस ने जवाब दिया कि जी हाँ, प्रभु ने मुझे इसलिए बुलाया कि दिव्य संदेश के द्वारा मैं लोगों को एक नया जीवन दूँ, नए जीवन की तरफ ले जाऊँ, प्रभु से वो नया जीवन प्राप्त करें और रूपांतर पाए। स्तिफनुस ने जब इसका पूरा वर्णन किया तो जिन लोगों को खुश होना चाहिए वे नाराज हो गए। इस अध्याय के सातवें अध्याय में कंप्लीटली स्तिफनुस ने उनको जो भाषण दिया था उस भाषण को देखते हैं, और वो आगे की तरफ जब बढ़ते हैं 53 पद तक स्तिफनुस का भाषण चलता है, जहां वो सामर्थ के साथ प्रभु के वचन को सुनाता है। यह सुनकर खुश होने के बदले 54वां पद जरा देखिए, 54वां श्लोक, वहां लिखा हुआ है, ये बातें सुनकर वे जल गए। मैंने आपको कई बार बताया था कि ये जो नया नियम है ये यूनानी भाषा में लिखा गया है, वहाँ जल गए जो लिखा हुआ है उसका अनुवाद ये भी हो सकता है कि क्रोध से फट गए। जरा सोचें, प्रभु का वचन सुन के जिन लोगों को खुश होना चाहिए वो क्रोध की अग्नि से भड़क गए। फिर क्या हुआ, 57वें पद में हम देखते हैं, बड़े शब्द से चिल्लाकर, देखिए बड़े शब्द से चिल्लाकर प्रभु की प्रशंसा करनी चाहिए थी, बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए और एक साथ उस पर झपटे। काहे के लिए झपटे? उसको पकड़ कर ले जाने के लिए। पकड़ कर काहे के लिए ले गए? 58वें पद में हम देखते हैं उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। इन लोगों ने क्या किया, सारांश जरा मैं बताऊं। प्रभु का वचन जब प्रभु के महान सेवक, प्रभु के द्वारा बुलाए गए, प्रेरणा दिए गए सेवक ने पूर्ण प्रेरणा के साथ जब उन लोगों को ये बातें सुनाई जिन्हें ये सुनकर खुश होना चाहिए, वे खुश होने के बदले क्रोध से फट गए, आग से भर गए, उसको पकड़कर खींचकर शहर के बाहर ले गए और पत्थर मार मार के स्तिफनुस की हत्या कर दी। आप कहेंगे यहाँ तो सिर्फ लिखा है कि पत्थर मारा, जी नहीं, अगले अध्याय को हम देखें, आठवें अध्याय में, छठे अध्याय के 60वें पद में हम लिखा है, या 59 में, वे स्तिफनुस पर पथराव करते ही रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिए। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर उसने अपनी आत्मा त्याग दी। क्या ये बात आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु का शुभ संदेश दूसरों तक पहुंचाने के कारण एक व्यक्ति को मृत्यु का वरण करना पड़े? जी हाँ, ऐसा होता है। इतना ही नहीं,
बहुत ही कई बार बहुत ही कठोर मृत्यु सहन करनी पड़ती है। जब बैठे बैठे अपन ने सुना पत्थर मारा वो गुजर गया, और आगे के अध्याय में लिखा है कि लोगों ने उसको दफना दिया। अगले अध्याय के दूसरे पद में लिखा है कुछ भक्तों ने स्टीफनस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। तो हमको लगता है दो चार पत्थर मारा हो गया, स्टीफनस गुजर गए होंगे और उसके बाद उन्होंने कब्र में रख दिया। जी नहीं, पत्थरों से मार मार कर जब किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है ऐसा नहीं होता। मैं उसके एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क जाते कुत्ते को कई बार बच्चे पत्थर मारते हैं, क्या होता है? जब पत्थर उसके बगल में कहीं लगता है तो कुत्ता कितनी दर्दनाक आवाज में भौंकते हुए अपने दर्द को व्यक्त करता है। मर जाता है क्या? जी नहीं, एक पत्थर से कुत्ता नहीं मरता है, दो से नहीं मरता है, दस से नहीं मरता है, लेकिन हर पत्थर उसके दर्द को, उसकी वेदना को बढ़ाता है। सैकड़ों पत्थर मारने के बाद या पत्थर की चोट लगने के बाद एक सड़क चलते ऑर्डिनरी कुत्ते का जीवन जाता है, मनुष्य का जीवन उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और इसलिए यदि आपको लगता है पत्थर मार दिया वो मर गया, दो चार कंकड़ पत्थर मारे होंगे वो मर गया, ऐसा नहीं होता है। मनुष्य की हत्या करने के लिए वो लोग जनरली ईंट नुमा पत्थरों का उपयोग करते थे, इतिहास इसका साक्षी है। जरा सोचिए, आप खड़े हुए हैं, पहली ईंट आपको यहाँ लगी, दर्द हुआ, आप मर गए क्या? जी नहीं। आपकी पसली टूट गई क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप दर्द से बिलबिलाए, इस तरह के चार छः आठ दस पत्थर जब पड़ जाते हैं तब कहीं आदमी गिरता है, मर नहीं जाता है। और पत्थर उसको कवर ना कर लें, उसको दोबारा वो पत्थर उठाकर उस पर वार करते हैं। इस तरह से सैकड़ों पत्थर जब उस व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डियां टूटती है, उसके हाथ पैर टूटते हैं, खून बहता है, उसका सर चकनाचूर हो जाता है। सर ऐसे वैसे चकनाचूर नहीं होता है, एक ईंट से किसी का सर चकनाचूर नहीं होता है। इस तरह से सैकड़ों पत्थर ईंट पड़ने के बाद वो आदमी तड़प तड़प कर मरता है। आपने शायद जीवन जाते हुए नहीं देखा है, इसलिए सोचते होंगे अरे दो चार पत्थर मारे होंगे और मर गए, ऐसा नहीं होता है। मैंने जीवन जाते हुए देखा है और ऐसे कई लोगों की गवाही सुनी है जिन्होंने देखा है कि जब भीड़ एक व्यक्ति की हत्या करती है तब किस तरह से तड़प कर वो जीवन देता है। इस तरह से तड़प तड़प कर स्टीफन उसने अपना जीवन दिया। याद रखें, तलवार से उसका गला नहीं काट दिया गया था। तलवार से गला काट देते तो वो तो बड़ी दया होती, क्यों? फिर तो क्षण भर में उसके प्राण उड़ गए होते। पत्थर से मार मार कर उसकी हत्या की गई, इसमें काफी समय लगता है, वो पूरे समय दर्द से तड़पता रहा। मैं इस घटना को आपके सामने आज इसलिए रखना चाहता हूं जिससे कि यहां पर हर व्यक्ति इस बात को समझ ले कि प्रभु यीशु का शिष्य बनना अपने आप में खुशी की बात है, आनंद की बात है। प्रभु की शक्ति मिलती है, प्रभु की ओर से हम सबको मदद मिलती है, लेकिन उनमें से कई लोगों को प्रभु इस बात के लिए भी बुलाते हैं कि वे जीवन में प्रभु के लिए शहीद हो जाएं, अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करें। मैं कम से कम एक मसीही शहीद को व्यक्तिगत रूप से जानता था, मेरे अध्यापक थे। तमिलनाडु में जब मैं 5 साल का था तब उन्होंने मुझे संडे स्कूल पढ़ाया, उनका नाम था UM दोरेराज। मेरे पापा के जूनियर थे बाइबल स्कूल में, और पापा और अंकल दोरेराज एक ही बाइबल स्कूल में पढ़े, एक ही चर्च में जाते थे, उसी चर्च में
मैं संडे स्कूल के लिए जाता था। पापा अपनी पढ़ाई वगैरह समाप्त करने के बाद पहले राजस्थान के कोटा में गए और वहाँ से फिर मध्य प्रदेश ग्वालियर गए, जहाँ पर वो अगले लगभग 40 साल तक प्रभु की सेवा करते रहे। पापा ग्वालियर पहुँचे उसके एक साल के बाद अंकल यूएम दोरेराज अपनी पढ़ाई समाप्त करके ग्वालियर आए और उत्तर भारत की भाषा सीखने और वहाँ की संस्कृति से जान पहचान करने के लिए 6 महीने हमारे साथ रहे। ये 6 महीने उनके पास सिर्फ 3 कार्य थे। काफ़ी समय वे घुटने पर खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करते थे। नंबर 2, दिन में काफ़ी समय वो हमारे घर से ही बाहर ही मुख्य सड़क थी, वहाँ पर खड़े होकर पर्चे बांटते थे। मुझे भी साथ साथ खड़ा कर लिया करते थे। इस तरह से बचपन में 2 लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में पर्चे बांटने में मुझे ट्रेनिंग दी, एक मेरे स्वयं के फादर ने और एक अंकल यूएम दोरेराज ने। तीसरा कार्य वो करते थे, रात को शाम को जब हम पर्चे वर्चे बांट के आके स्नान वगैरह करके चाय वगैरह पी के जब बैठ जाते थे तो रात को लेटने तक वो अंकल बैठ के मुझे ट्रेन किया करते थे, ट्रेनिंग देते थे एक इंग्लिश भाषा। पहला ही शब्द जो उन्होंने मुझे सिखाया मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने पूछा कि रॉड का क्या मतलब है, तो मैंने कहा सड़क। उन्होंने कहा कि इंग्लिश में रॉड कई तरह से उच्चारण होता है, उसके कई मतलब है, तुम जो कह रहे हो वो है रोड, ROAD, उसका मतलब है सड़क। लेकिन इंग्लिश में एक और शब्द है वो है रॉड, ROD, उसका मतलब है छड़ी। मैं आज भी नहीं भूल पाया, वो पहला शब्द था अंग्रेजी का जो उन्होंने मुझे सिखाया। पूरे टाइम बैठ के वो मुझे अंग्रेजी के शब्द सिखाते थे और बाइबल की कहानियाँ एक के बाद एक सुनाते थे। उस व्यक्ति से मैं जितना परिचित हुआ शायद कोई भी परिचित नहीं हुआ। 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग के बाद वे राजस्थान के अलवर नाम की जगह पर गए और वहाँ पर प्रभु की सेवा में लगे रहे। अलवर ऐसे लोगों का केंद्र था जो ख्रिस्त विरोधी थे। 7 या 8 साल तक उन्होंने प्रभु की सेवा की वहाँ। एक दिन वे लुप्त हो गए। जब वे लुप्त हो गए तो उनके एक मित्र जो उनसे मिलने गए थे उन्होंने तुरंत खबर भेजी मेरे पापा को कि भाई दोरेराज का कोई अता पता नहीं है। पापा के अन्य साथी लोग जो उसी बाइबल कॉलेज के पढ़े हुए थे ये सब लोग राजस्थान गए, अलवर में गए। उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल की। दोरेराज अंकल का शरीर कभी नहीं मिल पाया लेकिन जितने प्रमाण वहाँ उनको मिले उनके कमरे में अड़ोसियों पड़ोसियों से, उससे इस बात की पुष्टि हो गई कि जो लोग प्रभु यीशु का शुभ संदेश ना पसंद करते थे ऐसे लोगों ने अवसर मिलने पर इस भाई को ले जाकर उनकी हत्या करके उनके शरीर को कहीं ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको ट्रेस ना कर सके। इस तरह से कम एक शहीद को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया, जिनकी मृत्यु जो शहीद इसलिए हुए कि वे लोगों को उनके पाप और अधर्म से बचाकर उनको प्रभु यीशु के बारे में और प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन मिलता है उस जीवन के बारे में बताना चाहते थे। आप कहेंगे कि शास्त्री सर ऐसी 2-4 घटनाएं हुई होंगी। जी नहीं, यदि पिछले 2000 साल का इतिहास ले लिया जाए तो जो लोग प्रभु यीशु के लिए शहीद हुए हैं उनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि 10 लाखों में है, 10 लाखों में है। ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मध्य पूर्व में जहाँ भयानक युद्ध चल रहा है कई जगह प्रभु यीशु के अनुयायियों को एक साथ इकट्ठा करके गहरे गड्ढे में डालकर मशीनी यंत्रों से
मिट्टी लाकर उनके ऊपर डालकर उनको जिंदा दफना दिया गया। पिछले 10 साल की बात बता रहा हूँ मैं, ये 1000 साल पहले की बात नहीं है। उन लोगों को अपने जीवन इसलिए देना पड़ा कि वे प्रभु यीशु के अनुयायी है और समाज में बहुत अच्छी गवाही के साथ जीवन बिताते हैं। आज से 2000 साल पहले स्तिफन उसके जीवन में हमने जो देखा वो आज भी हो रहा है। प्रभु यीशु की शिक्षाओं के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में अमन, चैन, शांति, उत्साह, नया जीवन लाने के बदले उसके एवज में कई बार समाज उनको क्या सजा देता है? मृत्यु। उनको शहीद होना पड़ता है। आप पूछेंगे, शास्त्री सर आपने ये पाठ क्यों हमारे सामने रखा? मैंने ये पाठ आपको आपके सामने आज इसलिए रखा कि जब तक प्रभु का वचन जितनी बातें अपने बच्चों को बताता है उन बातों को जब तक मैं पूर्ण रूप से आपके सामने ना रखूं, तब तक मैं आपको आपके विश्वास के लिए, आपके जीवन के लिए तैयार नहीं कर पाऊंगा। अपने बच्चे को जब हम खाना सिखाते हैं उसके साथ बच्चे को ये भी सिखाते हैं कि जब चूल्हा जल रहा है तब बेटे उसके पास मत जाना, जब तवा चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो तवे को हाथ मत लगाना। माँ या बाप तवे को सिर्फ चिमटी से उठाते हैं लेकिन इवन चिमटी के प्रयोग से तवा चूल्हे से हटाने के लिए अभी तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हम में से हर व्यक्ति ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को देता है ना। मैंने बचपन में गर्म पानी को नहीं छूना है, आग के पास नहीं जाना है, जब पानी गर्म करते हैं इमर्शन रॉड उसके पास नहीं जाना है, जब बाहर से मैं मोटरसाइकिल चला के घर आता हूँ तो बेटे मोटरसाइकिल के पास मत जाना, उसके साइलेंसर छू गए तो जल के खाक हो जाओगे। ये सब बताने के बाद भी बच्चे कई बार मुसीबत में फंसते हैं, इस बात को हम जानते हैं। और यदि बताने के बाद मुसीबत में फंसते हैं तो ना बताएं तो क्या होगा, कितनी भारी मुसीबत में वो फंस जाएगा। इसलिए जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो उनको जो अच्छे कार्य हैं उसके साथ साथ खतरे से बचने के लिए जो उपाय है वो भी हम उसको बताते चले जाते हैं। उसको ये भी बताते हैं कि यदि खतरा आ जाए और यदि उसमें पड़ जाए क्या करना है। मैंने अपने बच्चों को एक बात जो खास सिखाई थी, बाय चांस यदि तुम्हारा हाथ या पैर जल जाए, शरीर जल जाए, तो पहला काम क्या करना है, जाके नल के नीचे खड़े हो जाओ, टोंटी खोल दो और पानी बहने दो, जिससे कि हाथ या पैर यहाँ जहाँ भी जला हुआ है वो ठंडा हो जाए। इसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं तब इस बात को याद रखना जरूरी है कि प्रभु यीशु के अनुयायी होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन में हमेशा अमन चैन रहेगा। जी नहीं, हमेशा अमन चैन नहीं रहेगा। ऐसा भी कई बार होता है कि हमें विश्वास की कीमत चुकानी पड़े, और विश्वास की कीमत चुकाने का मतलब है नौकरी छूट जाने से लेकर इवन मृत्यु तक। आज शाम को यहाँ जितने भाई बहन आए हैं मैं उन सब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस बात को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है क्या कि संसार के सृष्टा जिन्होंने मुझे और आपको ये नया जीवन दिया है वे कई बार इस बात के लिए भी हमें बुलाते हैं कि हम अपना जीवन उनके लिए अर्पित कर दें। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों की जीवनी जानता हूँ जिन्होंने वाकई में अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। एक व्यक्ति को मैं मुखामुख जानता हूँ जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित कर दिया। और आज शाम को मेरा प्रश्न आप में से हर एक से यह है कि कहीं आप इस गलत फहमी तो में तो नहीं हैं कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, नए जीवन की खुशी दी, नए जीवन का अनुग्रह दिया, मैं प्रभु के लिए बहुत उत्साह के साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। जब प्रभु को लगता है कि किसी एक बेटे या बेटी के जीवन में इस तरह का अनुभव भेजना जरूरी है तो प्रभु भेजते हैं।
और हम में से कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि हम में से किसके जीवन में इस तरह के कॉल, इस तरह के पुकार आए, और इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझकर इसके लिए जीवन में हमेशा तैयार रहना जरूरी है। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। क्लोजिंग में एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, वो दुनिया में कौन सी ताकत है जिसके कारण इन लोगों ने प्रभु के लिए अपना जीवन तक खुशी से त्याग दिया? वो कारण है उनके जीवन में प्रभु ने जो खुशी दी है, उस खुशी को उन्होंने मुखामुख देखा है। वे इस बात को जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले इस संसार के सृष्टा प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आकर मेरे और आपके लिए अपना जीवन सूली पर बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया। और यदि मेरे सृष्टा ने अपना जीवन मेरे लिए बलिदान के रूप में अर्पित कर दिया, तो कल को मेरे सृष्टा यदि मुझसे कहते हैं कि मेरे बेटे मेरी गवाही के लिए अपना जीवन अर्पित कर दो, तो मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। और संदर्भ में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने प्रभु यीशु को एक मुक्तिदाता के रूप में देखा है क्या, पाया है क्या, यह अनुभव आपके जीवन में है क्या? मेरे जीवन में है। आज से कई साल पहले मैंने इस बात को पहचाना कि मैं एक पापी हूँ, मैं अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता। मैंने इस बात को पहचाना कि प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन मेरे लिए अर्पित किया, और उस दिन मैंने वहाँ घुटने टेक कर प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। मुझे पापों की क्षमा मिली, मुझे मुक्ति मिली। तब से मैं उस नए जीवन का आस्वादन करके जी रहा हूँ। इस बात को भी जानता हूँ कि कल को हो सकता है प्रभु मुझे अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करने को कहें। यदि इस नए जीवन का अनुभव आपको नहीं है, तो आज शाम को आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को लापरवाही के साथ ना ले। हम में से हर एक को इस नए जीवन की जरूरत है। यदि एक आपके लिए एक नई बात है, आप इसको नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं है, कोई भी नया विषय एकदम से किसी को समझ में नहीं आता है, इस सभा के बाद मेरे पास आइए, मैं आपको विस्तार के साथ ये बात समझाऊंगा। इस सभा में ऐसे और कई लोग हैं जो आपको विस्तार के साथ ये सारी बातें समझाएंगे। आज शाम को इस तरह से आने के लिए प्रभु ने हम सबकी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सभा को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे।